name is Pooja. I am going to continue my lecture on organic chemistry. हम class 11th का कौन सा chapter कर रहे हैं? Some basic principles and techniques. अपने previous video में हमने classification complete की थी. Classification में भी हमने क्या पढ़ा था? किस type से हमने classify किया था organic compounds को? सबसे पहले हमने किया था acyclic and then cyclic. Cyclic को further कैसे classify किया था? Homocyclic. एंड हिट्रोसाइक्लिक. फिर होमोसाइक्लिक को फर्दर कैसे क्लासिफाई किया था? एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. फिर एरोमेटिक को भी कैसे क्लासिफाई किया था? बेंजिनोइड, नॉन बेंजिनोइड. इस टाइप से हमने अपनी क्लासिफिकेशन कंप्लीट की थी. क्लासिफिकेशन के बाद मैंने आपको होमोलोगस सीरीज के बारे में भी बताया था. क्या डिफरेंस बताया था? कि होमोलोगस सीरीज में एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है हमारे पास. ये सब हम अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. आज का हमारा टॉपिक क्या है पढ़ने का? आज हम सब स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर. क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम? नोमेनक्लेचर. तो ऐसा अब हमें नोमेनक्लेचर की क्या नीड पड़ गई केमिस्ट्री में? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? नोमेनक्लेचर. आखिर ऐसे क्या नीड हुई कि मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना पड़ा? अब मेरे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अब एक पर्टिकुलर नेम तो उनको देना जरूरी है ना, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, कि हम एक पर्टिकुलर नेम दे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कि इसी नाम से वो जाना जाएगा. पहले क्या था कि हम कॉमन नेम दे देते थे. जब IUPAC नोमेनक्लेचर में हम क्या नेमिंग करते हैं? IUPAC नेमिंग. कौन सी नेमिंग करते हैं? IUPAC नेमिंग. और जो ये IUPAC वर्ड मैंने लिखा है, पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. क्या फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल? मैंने क्या फुल फॉर्म लिखी है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये फाउंडेशन इसकी ये कब फाउंड की गई? ये वाली 1999 के अराउंड, 1919 में इसको फाउंड इसकी स्थापना की गई थी IUPAC की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इसका मेन मोटो क्या है कि वर्ल्ड वाइड मतलब केमिस्ट्री को फैलाना एक टाइप से. तो जो इसकी हेडक्वार्टर है वो है यूनाइटेड स्टेट में. कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? यूनाइटेड स्टेट में. इस IUPAC नेमिंग के इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उनकी नेमिंग करते हैं. इसने कुछ रूल्स दिए उसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग करते हैं. पर जब तक ये IUPAC नेमिंग नहीं थी तब तक क्या किया जाता था? कॉमन नेमिंग की जाती थी. क्या दी जाती थी? सबसे पहले कॉमन नेमिंग. इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल नेमिंग. कैसे नेमिंग कर दी जाती थी कॉमन नेमिंग? कि जो भी कोई भी कंपाउंड लिया मैंने, जैसे कोई भी मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, या तो उसके ओरिजिन के बेसिस पे, क्या बोल रही हूँ मैं, उसके ओरिजिन के बेसिस पे या उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम नेमिंग कर देते थे. ओरिजिन के बेसिस पे या प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. जैसे हम सब सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स भी खाते हैं, जैसे नींबू भी हो गया, अब ऑरेंज हो गया. इस टाइप से जब हम खाते हैं तो इनमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है. तो इस सिट्रस वर्ड से लेके सिट्रिक एसिड नाम दे दिया. उसी टाइप से जो रेड अंट होती है, रेड अंट, वो कौन सा एसिड रिलीज करती है? फॉर्मिक एसिड. तो इस एसिड का नाम कैसे दिया गया? कि जो लेटिन वर्ड में रेड अंट को क्या बोला जाता है? फॉर्मिका. क्या बोला है मैंने यहाँ पे? रेड अंट को क्या बोला जाता है? फॉर्मिका. तो इस बेसिस पे इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड, जो इसके अंदर पाया जाता है. उसी टाइप से अभी लेटेस्ट एक नाम दिया गया है, लेटेस्ट भी नहीं कह सकते, पर जो कार्बन 16 का होता है, मतलब जो C16 होता है क्लस्टर, मतलब 60 कार्बन एटम का जो क्लस्टर है, उसको नाम दिया गया है बकमिंस्टर फुलरेन. ये ट्रेडिशनल नेम्स बता रही हूँ मैं आपको. ये नाम क्यों दिया गया है? ये एक आर्किटेक्ट है, आर बकमिंस्टर फुलर, उनके नाम पे दिया गया. तो उनके नाम पे ही क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने जियोडेसिक डोम्स बनाई थी. क्या बनाई थी उन्होंने?
हैं डोम्स, डोम्स कहते हैं गुबन, ठीक है। तो जो उसने बनाई थी मतलब उसका स्ट्रक्चर, जो कार्बन 16 के क्लस्टर का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला उससे सिमिलर है, तो इसी बेसिस पे ये वाला नाम इसको दिया गया बकमिंस्टर फुलरिन। उसी टाइप से क्या इंडिया में भी इससे इंस्पायर्ड हो गए एक डोम, ऐसे इंडिया में एक डोम बनाई गई है जिसका नाम है कैलिको डोम। कहाँ बनाई गई है ये? अहमदाबाद में। इसी को कॉपी करके बनाया गया था, पर रिसेंटली ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कैलिको डोम को। तो ये था कुछ कि 16 क्लस्टरों किसके बेसिस पे नाम दिया गया है, आर्किटेक्ट आर्बस बकमिंस्टर फुलर के बेस के नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम बकमिंस्टर फुलरिन दिया गया, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इनके जियोडेसिक डोम से रिजेंबल करता है। तो ये था कुछ कॉमन नेम के बारे में। अब जान लेते हैं कि आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करें तो कुछ और कॉमन नेम देख लेते हैं, कुछ और कंपाउंड्स का कि कॉमन नेम किस टाइप से उनका दिया गया है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया CH4, इसका कॉमन नेम क्या है? इसको बोलते ही मिथेन है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन। ऐसे ही CH Cl3, इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। इसी टाइप से अगर मैं ले लूं ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लगा दिया मैंने NH2 ग्रुप, इसको बोलेंगे एनिलीन। बेंजीन उसके ऊपर लगा दिया मैंने OCH3, इसको बोलेंगे एनिसोल। तो इस टाइप से कुछ कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जिनका कॉमन नेम हमें मतलब इस टाइप से उनका कॉमन नेम मेंशन होता है कि अगर ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म की फॉर्म में भी लिखा सकता है और उसकी IUPAC नेमिंग भी लिखी हुई आ सकती है। तो ये था कॉमन नेम के बारे में। अब IUPAC नेमिंग स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग IUPAC नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं। IUPAC नेमिंग स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कार्बन क्या होता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कार्बन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। जब डबल और ट्रिपल आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। तो जब हम IUPAC नेमिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें क्या क्या देखना होगा? जो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ होगा उसकी नेमिंग करने के लिए मुझे क्या क्या देखना होगा, क्या क्या मुझे फाइंड आउट करना है उसमें? प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सुफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो पहले लगता है। सुफिक्स क्या होता है? जो बाद में। प्रीफिक्स को भी दो कैटेगरी में करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। ऐसे सुफिक्स को भी प्राइमरी सेकेंडरी। अब वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। वर्ड रूट क्या होता है? हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन चेन। क्या देखेंगे? सबसे पहले कितने नंबर की कार्बन चेन है, कार्बन चेन देखेंगे। अगर एक कार्बन की है तो उसको हम बोलेंगे मिथ, तो उस चेन के आगे हम लगा देंगे मिथ। अगर सिंगल बॉन्ड है तो पीछे क्या लगा देंगे? अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, और ट्रिपल है तो आई। इस टाइप से हम ये सुफिक्स लगा देंगे। ये आ गया प्राइमरी सुफिक्स। ये क्या लिखे है मैंने यहाँ पे? प्राइमरी सुफिक्स, क्योंकि मैं इस वर्ड के पीछे लगाने वाली हूँ ना, ये सारे जो भी मेरे ये कंपाउंड में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग मैं लगा दूंगी। इसी टाइप से अगर मेरे पास दो कार्बन होगा तो मैं उसको लिखूंगी इथ। ऐसे ही तीन कार्बन को क्या लिखते हैं? प्रो। चार कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। पांच कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। सिक्स कार्बन के लिए हेक्स। सेवन कार्बन के लिए हेप। एट कार्बन के लिए ओक्ट। नाइन कार्बन के लिए नोन। और टेन कार्बन के लिए डेक। अभी आपके लिए टेन याद रखने ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वन के लिए हम मिथ वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन, डेक। तो इस टाइप से था वर्ड रूट के बारे में। मैंने लिखा है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा मेरे पास? मेरे पास जो भी सब्स्टिट्यूएंट दे रखे होंगे चेन में, क्या लिखा है मैंने? जो भी सब्स्टिट्यूएंट दे रखे होंगे उनको मैं क्या लिखूंगी? एल्काइल। एल्काइल मान लो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट दे दिया CH3, तो क्या लिखूंगी मैं इसको?
मिथाइल, ठीक है। अगर ये दे दिया CH2CH3 तो क्या लिखूंगी, इथाइल। तो ये तो था प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। अभी आप ध्यान से समझो, जब इसके एग्जांपल्स करेंगे तो ये सब बातें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, ध्यान देना। सेकेंडरी प्रीफिक्स में जब मैंने क्लासिफिकेशन कराई थी तो आपको फंक्शनल ग्रुप भी बताए थे। तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, जब फंक्शनल ग्रुप, क्या लिख रही हूँ मैं, ध्यान देना है, फंक्शनल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट, कब काम आएगा ये हमारे पास, जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो ये तो हो गया, अब और देख लेते हैं। मैंने ये प्राइमरी सुफिक्स तो आपको बता दिया, यहीं पे बता देती हूँ कि जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो क्या, सेकेंडरी सुफिक्स होता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मैं जनरल वे से लिखना चाहूं कि अगर मुझे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी अपना प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद क्या लिखूंगी अगर कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स दे रखा है मेरे को चेन में, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट, कितने नंबर की कार्बन चेन है हमारे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे प्राइमरी सुफिक्स, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम सेकेंडरी सुफिक्स। तो इस टाइप से हम अपना अरेंजमेंट, जनरल में नहीं लिखा है, इसी टाइप से हम आईपीएससी नेमिंग लिखेंगे जब हम एग्जांपल लेके स्टार्ट करेंगे। तो ये था वर्ड रूट, क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन, वन है तो मिथित, इस टाइप से हो जाएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच होते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, ये एग्जांपल आएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला पॉइंट। और प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है कि मैंने बताया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड चेन जो होगी हमारे पास। सेकेंडरी में क्या आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप। अब स्टार्ट करते हैं अपने, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। क्या बोला है मैंने, सबसे पहले आईपीएससी नेमिंग किसके स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सबसे पहले स्टार्ट। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया सी एच एच एच, सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, सैचुरेटेड है तो ये। अब इसकी नेमिंग मैं कैसे करूंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी मेरे पास कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है मेरे पास। फर्स्ट रूल क्या है, सी द नंबर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन का नंबर देखेंगे कितने कार्बन की चेन है, वन टू। टू कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इथ, तो क्या हो जाएगा ये इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने बताया प्रीफिक्स क्या यूज होएगा। अब यहाँ पे मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दे रखा है क्योंकि चेन में, तो मैंने जो जनरल फॉर्मूला लिखा था मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक बार, पहले यहाँ से आपको ज्यादा क्लियर होएगा। मैंने अभी जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था कि मेरे पास प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, उसके बाद क्या आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद मैंने क्या लिखा था वर्ड रूट, उसके बाद क्या आएगा प्राइमरी सुफिक्स, और सबसे लास्ट में क्या आएगा सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है। इस टाइप से आएगा। तो क्या मेरे पास कोई रिंग में सब्स्टिट्यूएंट है, मेरे पास एक सीधी तो स्ट्रेट चेन है, तो रूल क्या कहता है, फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्या कहता है फाइंड द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। अब मेरे पास दो कार्बन की चेन है, अब मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ना मेरे पास प्राइमरी प्रीफिक्स है ना सेकेंडरी है, तो सीधा वर्ड रूट लिखूंगी अपना। वर्ड रूट क्या लिख दिया मैंने, इथ। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कार्बन की चेन है, तो क्या लिखूंगी सिंगल के लिए इन, ये हो गया मेरा इसका आईपीएससी नेमिंग। अब और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे अभी मैं सैचुरेटेड ले रही हूँ, बिल्कुल ध्यान देना है। अब मैंने ये लिख दिया CH3, CH2, CH2, CH3। क्या मेरे पास, अगर मैं स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करूं कोई भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो कितने की होगी, 1, 2, 3, 4। इधर से चलोगे तब भी 4 है, इधर से चलोगे तब भी 4 ही है। तो 4 कार्बन के लिए कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स है, नहीं है। तो वर्ड रूट 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट। ब्यूट लिख देती हूँ अपना
सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? इन, ये हो गया ब्यूटेन। तो ये हो गया इसकी आईयूपीएसी नेमिंग। इसी टाइप से आपको कोई भी कंपाउंड दे दे जो सैचुरेटेड होगा तो उसकी नेमिंग आप आसानी से कर लेंगे। अब चलते हैं, अब हम करने जा रहे हैं अपने इसमें ब्रांचिंग। ध्यान देना है क्या करने जा रहे हैं हम, ब्रांचिंग। अब जैसे मैं ये एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे मैंने लिया CH3, मैंने बोला सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, कितने की हो जाएगी? यहां से चलती हूँ 1, 2, 3, ठीक है, यहां से चल पड़ी, 3 कार्बन की चेन हो गई है मेरे पास। अगर मैं यहां से चलती हूँ, मैंने यहां से चली थी ना अभी 1, 2, 3, ये हो गई। अब मैं यहां से चलती हूँ 1, 2, इधर चली जाऊं, इधर चली जाऊं, तब भी तो 3 मेंबर की चेन बनेगी। क्या 3 से ज्यादा की इस मॉलिक्यूल में मेरे पास चेन बन रही है? नहीं बन रही है। जब मैं 3 की यहां से जा रही हूँ 1, 2, 3, तो भी मेरे पास ये एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ये आ रहा है ना सब्स्टिट्यूएंट। अब जब मैं ये स्ट्रेट चेन ले रही हूँ तो मेरे पास क्या सब्स्टिट्यूएंट निकल के आ रहा है? जब स्ट्रेट चेन ले रही हूँ तो ये सब्स्टिट्यूएंट निकल के आ रहा है। तो नंबरिंग तो मैं कहीं से भी कर लूँ कि मेरे पास 3 मेंबर की चेन बनेगी। अब मेरे पास आ गया है सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए मैंने बोला है कि हम क्या लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप लिखेंगे उसको। मेरे पास सिंगल कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिथ। तो उसके पीछे हम क्या लगा देंगे? YL। क्या लगा देंगे? YL। और साथ साथ इसकी पोजीशन भी मेंशन करेंगे। क्या पोजीशन मेंशन करेंगे? ध्यान देना है, जब इसकी नंबरिंग कर रही हूं तो ये कितने नंबर पे आया है? 2 पे। अभी मेरे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान देना है। तो क्या लिखूंगी इसको? मिथाइल, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, डैश लगाते हैं बीच में, मिथा। मिथा एक कार्बन के लिए मैंने बोला है कि पीछे वाई एल लगाना है, वाई एल, तो ये लगा दिया मैंने मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है मेरे पास? उसके बाद वर्ड रूट पे आ जाएंगे ना हम, कितने कार्बन की चेन है? 3। 3 के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है। तो इस टाइप ये हो गई इसकी आईयूपीएसी नेमिंग। अब बोलोगे मैम आपने तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट लिया, आप 2 सब्स्टिट्यूएंट लेके देख लेते हैं। ब्रांचिंग वाले के रूल्स आपको ध्यान रखने हैं ज्यादा। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, डायरेक्ट स्ट्रेट चेन देखते ही उसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं बोलना है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहां तक जा सकती हूँ मैं, मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट बन के आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देना ही बात है। अगर मैं यहां से जाती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब मेरे पास 6 कार्बन की चेन बन रही है। पहला रूल तो यही है ना कि मुझे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अगर मैं यहां से जा रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, अगर मैं यहां से जाती हूँ 1, 2, 3, 4, तो जो मेरे पास 6 कार्बन की चेन है मैं तो उसी को प्रेफरेंस दूंगी। और ध्यान क्या रखना है, सेकंड रूल पे ध्यान क्या देना है कि हमारे पास नंबरिंग फ्रॉम डैट साइड, नंबरिंग फ्रॉम डैट साइड, फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोवेस्ट नंबर। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे? जहां से मेरे को सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कम से कम, मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैं यहां से कर देती हूँ 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ग्रीन वाली साइड से जा रही हूँ तो इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिल रहा है? ये CH3 है, ये कार्बन आप पूरे कर सकते हो, तो मेरे पास 4 नंबर मिल रहा है। जब मैं ऊपर से आ रही हूँ तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिल रहा है। और मैंने बोला है कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, तो कौन से वाली चेन प्रेफर करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिल रहा है? तो 4 वाले तो मैं डिजिट के नंबर रब कर देती हूँ, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 3 पे पोजीशन मेंशन करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। 3 पे क्या है? एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मिथ। और पीछे क्या बताया है सब्स्टिट्यूएंट हमें क्या लगाएंगे? वाई एल, मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 6। 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्स।
और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दूंगी, एम, हेक्स। तो ये हो गया इसका आईपीएससी नेम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं यहां से रब कर रही हूं। 10th तक तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, आईपीएससी नेमिंग के लिए जरूरी है कि आपको 10th तक तो नाम पता हो कि इस कार्बन को क्या बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सब्सट्रेंट का नाम बताया है, तो इसी टाइप से अगर आपको डायरेक्ट देखना है तो देख लो, CH3 दे रखा तो मैं उसको क्या लिखूंगी, मिथाइल। ऐसे ही CH2 CH3 लिखा मिल जाए तो क्या लिखूंगी, इथाइल। दो कार्बन की चेन होगी ना। अब ऐसे ही CH2 CH2 CH3 तीन कार्बन की चेन आ गई तो क्या लिखूंगी, प्रोपाइल। ऐसे ही अगर चार कार्बन की चेन आ जाए CH2 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 CH3, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है ये मेरे पास, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, तो मैं इसका ये नाम बता रही हूँ, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल, ठीक है। और इसी टाइप से और बताऊं आपको, ये एग्जांपल रब कर देती हूँ, और आपको चेन में अगर इस टाइप से लिखा हुआ मिल जाए CH3 CH CH3, इस टाइप से कोई चेन में ये ग्रुप ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे, आइसो प्रोपाइल। क्या लिखेंगे, आइसो प्रोपाइल CH3 CH CH3। इसको क्या लिखेंगे, नियो 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल, ठीक। इस टाइप से वर्ड लिखे हुए मिल जाएं, ऐसे ये CH3 CH CH3 CH3, इसको क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। ये वर्ड अगर आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं इस टाइप का कोई ग्रुप, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर ध्यान क्या देना है कि जो आईपीएससी नेमिंग में जब हम लिखेंगे तो आईपीएससी नेमिंग केवल आइसो वाला ग्रुप आपको दिखता है या नियो वाला ग्रुप दिखता है, तो उसको तो हम लिख सकते हैं, पर अगर मेरे पास कुछ ग्रुप इस टाइप से है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो जो सेकेंडरी लिखा हुआ हो और ऐसे ही टर्शियरी ब्यूटाइल बनाऊं तो CH3 CH3 CH3, इसको बोलेंगे टर्शियरी, TERT लिखते हैं टर्शियरी के लिए ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी और टर्शियरी को आईपीएससी नेमिंग अलाउ नहीं करती है कि हम उसके नेमिंग में इन वर्ड्स को यूज करें। तो ये रूल था कि आइसो और नियो को तो हम लिख सकते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी को हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे मैंने सब्सटेंट बताए हैं, उसको सब्सटेंट के फॉर्म में किस टाइप से लिखेंगे, एक कार्बन की चेन है तो मिथाइल, 2 की है तो इथाइल, 3 की है तो प्रोपाइल, 4 की है तो ब्यूटाइल, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती रहेगी 10 तक, डेकाइल तक भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, उससे आगे भी लिख सकते हैं, पर आपके सिलेबस में 10 कार्बन तक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 कार्बन तक आपको पता हो कि 10 कार्बन के लिए डेक यूज करते हैं, 1 के लिए मिथ। अब आगे बढ़ते हैं अपने आईपीएससी नेमिंग पे ही। हमने ब्रांचिंग के लिए क्या क्या रूल पढ़े हैं अपने, सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग तो आसान है, वो हम कर देते हैं। तो जो ब्रांचिंग के किए हैं उसमें हमने पहला रूल क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करते हैं, फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, और सेकेंड रूल अभी भी क्या पढ़ा है कि नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड इन विच सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोएस्ट नंबर एंड अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हम उनको सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं। अब तक तो मैंने एक एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच करके आपको दिखाया था, अब यहाँ पे एग्जांपल पे ध्यान देना है, कार्बन की वैलेंस से आप पूरी कर लेंगे 2 4 5 6 7 8। अब ध्यान देना इस वाले एग्जांपल,
अगर इस वाले एग्जांपल में मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूं तो क्या होगी? अब मैंने ये वाला कार्बन पकड़ लिया है, चलो इस टाइप से मैं भी लिख के दिखा दूं। ये भी क्या है CH3, कार्बन की वैलेंस आप हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। यहाँ पे रूल समझना मेन। अब मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो अगर मैं इस कार्बन को पकड़ के अपनी नंबरिंग देती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने कार्बन की चेन बन रही है? 8 कार्बन की। अगर मैं स्ट्रेट चेन, आप सब क्या करते हैं, देखते ही स्ट्रेट चेन को लॉन्गेस्ट चेन मान लेते हैं, ऐसा हो भी सकता है। अब यहाँ से काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो अब आप क्या होंगे मैम, यहाँ से भी 8 नंबर ही आ रहा है। अगर मैं इसको अपनी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दूं तो मेरे पास कितने सब्सट्रेंट आ रहे हैं? अगर कहीं इस वाले एग्जांपल को छोड़ के एक जनरल सी बात है, अगर क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए, हमें ध्यान क्या देना होता है ब्रांचिंग के केस में, कि चेन हम वो सिलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सट्रेंट आए। क्या सिलेक्ट करते हैं? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट आए। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को देखे क्या समझाने का मेन मोटिव, अगर मैं यहाँ से अपनी नंबरिंग करती हूँ, ध्यान देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब आप कहोगे मैम यहाँ से नंबर आ रहा है 3 सब्स्टिट्यूएंट का और एक मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो कौन सा नंबर आ रहा है? 3 और 6। अगर मैं यहाँ से अपनी नंबरिंग स्टार्ट कर देती हूँ तो कितना नंबर आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ से भी कितना आ रहा है? 3 और 6, ये 6 पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, तो कहोगे मैम किसी भी साइड से नंबरिंग कर दो। नहीं, पर ध्यान क्या देना है, अब हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। जब हमारे पास सेम नंबर पे आता है तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। हम सबसे कम नंबर किसको देंगे? यहाँ पे देखना, जब मैंने ब्लैक वाले मार्कर से लिखा है तो 3 नंबर मेरा किसको मिल रहा है? इथाइल को। और 6 नंबर किसको मिल रहा है? मिथाइल को। वहीं जब मैं यहां से कर रही हूं तो 3 नंबर किसको मिल रहा है? मिथाइल को। और 6 नंबर किसको मिल रहा है? इथाइल को। तो ध्यान देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है या एम? ई पहले आता है ना, तो ई को कम से कम नंबर देंगे तो वो कौन से चेन के अकॉर्डिंग आ रहा है? ब्लैक वाले के अकॉर्डिंग ना, जिसमें मैंने ब्लैक मार्कर से नंबरिंग की है 3 और 6। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास ग्रीन वाली नंबरिंग है वो मेरे पास वैलिड नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं ग्रीन वाली नंबरिंग से, अगर आपके पास एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि इसका नाम देके, जैसे ये था ना 1, 2, 3, 4, 5, अब पहले ब्लैक वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे फिर ग्रीन वाली के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, तो जो ब्लैक वाली नंबरिंग में 3 पे क्या आ रहा है? इथाइल ग्रुप ना, 3 पे आ रहा है इथाइल ग्रुप, 3 हाइफन लगाएंगे, ई कैपिटल लिखेंगे इथाइल, फिर हाइफन लगाएंगे, 3 पे क्या, 6 पे क्या आ रहा है मेरे पास? मिथाइल, एम स्मॉल लिखेंगे मिथाइल, उसके बाद सारी चेन के एटम्स, मतलब जो हम अल्फाबेट्स लिख रहे हैं वो स्मॉल लिखे जाएंगे, 6 पे आ गया मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 8 कार्बन की चेन, तो 8 के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओक, और सिंगल बॉन्ड है तो ए, ये होगी इसकी आई पी एस सी नेमिंग। अगर मैं ग्रीन वाली के अकॉर्डिंग लिखती हूँ तो ध्यान देना है एक बार, यहाँ पे ग्रीन वाली में 3 पे क्या आया था? मिथाइल, पर नेम तो मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो पहले क्या लिखूंगी? 6 पे जो मेरे पास क्या आया? इथाइल, फिर 3 पे क्या आया? मिथाइल, और चेन तो उतनी है ना, ओक और एन, तो जो ये वाला नाम अगर लिखा मिलेगा तो ये गलत है और ये सही है। तो ये वाला रूल यहाँ पे आपको समझ में आया, अगर मेरे पास सेम नंबरिंग आती है तो मैं नंबरिंग कुछ, तो मैं प्रेफरेंस किसको दूंगी? तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस दूंगी, उसके अकॉर्डिंग जो मेरे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा तो उसको स्मॉल नंबर मिलना चाहिए, ना कि दूसरे वाले को स्मॉल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ये इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल और करते हैं, ये एग्जाम्पल इस रूल को समझाने के लिए था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही हम अरेंज करेंगे। अब नेक्स्ट रूल जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आने चाहिए, उसका एग्जांपल देखते हैं। अब जो मैं यहाँ एग्जांपल लिख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वाला रूल। ठीक है, अब इस एग्जांपल को आपको ध्यान से देखना है, एक मिनट में लिख लेती हूँ।
अब जो मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिखा है, ध्यान देना इस वाले एग्जांपल में, ये तो हाइड्रोजन दिखाया मैंने कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए। अब इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये रूल एक्सप्लेन करूंगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे पास सब्सिट्यूएंट आने चाहिए चेन में, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद। अब ध्यान देना है, मैं नंबरिंग करती हूँ आपकी इजीनेस के लिए, मैं ये हाइड्रोजन रब कर रही हूँ ताकि नंबरिंग हमें अच्छे से दिखे और रूल क्लियर हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन तो आप कंप्लीट कर लोगे कार्बन की वैलेंसी। तो ध्यान देना है अब इसमें, अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगी तो सबसे पहले हमारी नजर जाती है स्ट्रेट चेन पे, तो हम इसके काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप कहोगे मैम 10 नंबर की चेन बन रही है, तो ये दो सब्सिट्यूएंट हो गए और ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अगर मैं ये चेन, अब यहाँ से मेरे पास क्या आ रहे हैं, 2 सब्सिट्यूएंट आ रहे हैं, ध्यान देना है, एक तो ये वाला ग्रुप पूरा और कौन सा ये वाला ग्रुप आ रहा है सब्सिट्यूएंट में, ठीक है, ध्यान देना है, दो सब्सिट्यूएंट आ रहे हैं ना मेरे पास इसमें। वही अगर मैं अपनी नंबरिंग यहां से करती हूँ, ध्यान देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वाला ग्रुप मेरे पास 5th कार्बन पे अटैच है। अगर 5th पे होगा तो ही ये रूल आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी ना, ठीक है। अब यहां से काउंट करते हैं CH2CH3, ये हो गया 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां से हमने क्या देखे, मेरे पास कितने सब्सिट्यूएंट आए, 2 सब्सिट्यूएंट। अगर मैं अपनी नंबरिंग यहां से करती हूँ, ध्यान देना मैं नंबरिंग कहां से कर रही हूँ, इस वाले कार्बन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी भी मेरे पास तो 10 की चेन आ रही है, तो क्या मैं ये चेन लूंगी या फिर ये चेन लूंगी। अब मैं सब्सिट्यूएंट को देखूंगी कि मेरे पास पहले वाली चेन से कितने सब्सिट्यूएंट आ रहे थे, 2, यहाँ से कितने आ रहे, एक तो ये सब्सिट्यूएंट हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इस वाली चेन से कितने सब्सिट्यूएंट आ रहे हैं मेरे पास, 3 सब्सिट्यूएंट आ रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जिस चेन से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सब्सिट्यूएंट मिलेंगे हम उस चेन को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो मेरी मतलब ब्लैक वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग तो मैं नाम करूंगी नहीं, पर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी लिख के दिखाऊंगी, ध्यान देना है। पहले हम ग्रीन के अकॉर्डिंग अपना नाम लिखते हैं, मेरे पास कितने मेंबर की चेन है, 10 मेंबर की। मेरे पास 3 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, एक तो मिथाइल ग्रुप ये हो गया और एक ये मिथाइल ग्रुप हो गया। और यहाँ पे ध्यान देना है, जो 5th कार्बन पे मेरा ये पूरा ग्रुप अटैच है, ये पूरा ग्रुप अटैच है। अब इस ग्रुप की नंबरिंग करना सीखेंगे, हम इस ग्रुप को कैसे नाम देंगे। सिर्फ आपको ग्रीन वाले मार्कर की ओर ध्यान देना है, ब्लैक वाले पे नहीं ध्यान देना है, जो ब्लैक नंबरिंग लिखी हुई है। तो सबसे पहले क्या है, मिथाइल और ये मिथाइल ग्रुप है, एम देख लेते हैं। अब इस ग्रुप का नाम कैसे करेंगे, इस ग्रुप की नेमिंग हम कैसे करते हैं, 5th कार्बन पे अटैच है ना, और ध्यान देना है। अब आप कहोगे मैम ये चेन आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, तो आपने यहाँ से नाम क्यों नहीं दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं यहाँ से अपनी चेन को नाम देती तो मेरे पास इस सब्सिट्यूएंट का नंबर कितना आता, 6, और मुझे सब्सिट्यूएंट को क्या नंबर देना होता है, कम से कम। तो इसलिए ये वाली चेन तो मैं प्रेफर करूंगी नहीं कि मैं इस साइड से नंबरिंग दूंगी अपनी चेन को, ठीक है। तो ये तो वो डाउट क्लियर हो गया कि इधर से नंबरिंग क्यों नहीं दी। अब देखते हैं इस वाले ग्रुप की नेमिंग कैसे करें, क्या लिखेंगे हम अपनी चेन में, 5th पे अटैच है, ये पूरा ग्रुप अटैच है ना, एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, पूरा एल्काइल ग्रुप है मेरे पास। यहाँ पे मेरे को कोई आइसो और नियो पोजिशन तो दिख नहीं रही है कि मैं डायरेक्ट नेमिंग कर दूं, तो क्या करूंगी मैं यहाँ से अब अपनी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगी। अब इसको मैं एक अलग पार्ट लेके चलूंगी और इसमें जो मेरे को लॉन्गेस्ट चेन दिखेगी ना मैं उसको सिलेक्ट करूंगी और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, इधर से चलती हूँ 3, 4, अगर इधर चलती हूँ 3, 4, तब भी एक ही ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तब भी आ रहा है। अब पहले इस वाले ग्रुप की नेमिंग करके दिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं। 5th पे मेरे पास क्या अटैच है, C, C, CH2, CH3, C और ये CH, इस टाइप से अटैच है ना।
तो इसी कार्बन को तो वन नंबर देंगे। अब यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, किधर से चले जाऊं, फोर कार्बन की चेन है ये, ले ली 3 4। अब 2 पे ये क्या है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट फिर से सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पे। पर अब बात क्या देनी है, अब इस आपको इस चेन को आप ब्यूटेन नहीं लिखोगे। ब्यूटेन क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि हमारे पास वर्ड रूट चेन तो क्या है, 10 मेंबर की चेन है ना मेरे पास, तो लिखना तो मुझे अपनी चेन में डेकेन है, तो मैं यहाँ पे ब्यूटेन फिर से कैसे लिख दूंगी, नहीं, वर्ड रूट केवल एक ही होगा, तो इसको क्या लिखूंगी, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट का ही काम करेगा, तो इसको मैं लिखूंगी ब्यूटाइल, चार कार्बन के लिए ब्यूट और पीछे वाईएल, एज ए सब्स्टिट्यूएंट का ही काम करेगा ना ये। तो ये थे इसके नेमिंग हम कैसे करेंगे, अब इस पूरे इसका नेम लिख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्या लिखेंगे। अब मैंने ये वाला ग्रुप पहले क्यों लिखा है, ये वाला, और मैं मिथाइल मिथाइल क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि इथाइल पहले आता है ना, ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो क्या नेम हो जाएगा इसका, 5 पे क्या है, यहाँ पे पोजीशन मेंशन करेंगे, ये कितने पे आया है, 2 पे क्या आया मेरे पास, इथाइल, और फिर चार कार्बन के लिए मैंने क्या बोला, ब्यूटाइल, उसके बाद दो सब्सटेंट और बच गए हैं, कितने पोजिशन पे, 3.3 डाई मिथाइल, कितने मेंबर की चेन है, 10 की, 10 के लिए क्या लिखते हैं, डैग, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये तो होगी इसके आईयूपीएसी नेमिंग। अगर मैं अपनी ये ब्लैक वाली लाइन कंसीडर करके चलती हूँ, कि मेरी ब्लैक वाले मतलब नंबरिंग कंसीडर करके चलती हूँ, तो इसका नाम क्या लिखूंगी मैं, अब ये पूरा सब्सटेंट हो गया ना, ये तो हो गया ग्रीन वाले के अकॉर्डिंग, तो अब मैं ये रब कर रही हूँ ताकि आपको इसके सब्सटेंट अच्छे से लिख सको। अब ये कोई सब्सट्रेंट थोड़ी है, अब तो सब्सट्रेंट बचे CH2CH3 ही बचा। अब सब्सट्रेंट क्या क्या बचे हैं, अगर मैं ब्लैक वाली चेन ले रही हूँ तो एक तो मेरे पास ये सब्सट्रेंट बच गया है अब बड़े वाला, और एक ये बच गया है, ठीक है। अगर इसकी नेमिंग करूंगी तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ कार्बन पे मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन बनेगी, और दोनों साइड क्या आएगा, मिथाइल, पर मिथाइल तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पीछे लिखा जाएगा, तो पहले क्या लिखूंगी, एट पोजीशन पे क्या है मेरे पास। अब एक और बात, अगर मैम आप ब्लैक वाली चेन लेके चल रहे हो, ब्लैक मार्कर वाली, तो मैं इसको 8 नंबर कैसे दे सकती हूँ, मैं तो इसको कम से कम नंबर दूंगी, तो मैं इसकी नंबरिंग कैसे करूंगी, इधर से करूंगी ना मैं इसकी नंबरिंग, क्योंकि यहां से मेरे पास सब्सटेंट को कम से कम नंबर मिल रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 मेंबर की चेन, पर मुझे तो ये भी तो देखना होता है ना कि सब्सट्रेंट को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो अब आपको ध्यान देना है, अब ये 3 पे क्या आया मेरे पास, इथाइल, 3 पे क्या आया, इथाइल। अब आगे देखना है, अब फिफ्थ कार्बन पे फिर से एक ग्रुप अटैच है, तो ब्रैकेट लगाऊंगी, क्योंकि ये पूरा सब्सट्रेंट एक ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी ना, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, और दो पोजिशन पे क्या है, मिथाइल, 2.2 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन की चेन हो गई, 2 2 पे क्या है, डाई मिथाइल, और 4 कार्बन की चेन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट और वाई एल, उसके बाद क्या बची है, बस अब हमें वर्ड रूट देखनी है, 10 मेंबर की चेन है तो डेक, और सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ ये वाला क्वेश्चन दोबारा से। तो इसमें कौन सी नेमिंग हमारी सही है, ये वाली नेमिंग सही है और ये वाली गलत होगी, वो मैं आपको रीजन बता चुकी हूँ किस रीजन से गलत होगी, क्योंकि जब हम ये वाली नेमिंग करते हैं तो मेरे पास कितने सब्सटेंट आ रहे हैं, 3, और जब ये वाली नेमिंग करते हैं तो सब्सटेंट कितने आ रहे हैं, 2, तो हम किसको प्रेफर करते हैं कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंट आए। तो ये था इस क्वेश्चन के, इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम, ये वाला रूल तो हो गया कम्प्लीट, अब क्या आएगा, चेन में आ सकता है डबल बॉन्ड, आ सकता है ट्रिपल बॉन्ड, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे ट्रिपल बॉन्ड की जगह। जैसे अब एक एग्जांपल के थ्रू और बता देती हूँ इसको, ये एग्जांपल आप सबको क्लियर है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखना है आपको। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ये हो गया ट्रिपल,
अब एक ही चेन में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो मैं किसको कम से कम नंबर दूंगी? डबल बॉन्ड को। मैंने बोला ना कि डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देंगे ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन। तो नंबरिंग में यहाँ से स्टार्ट करूंगी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसको? अब इसमें सब्स्टिट्यूशन ऑफ कर देते हैं पहले। ठीक है, 5, 6, 7। ठीक है, चेन की नंबरिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं की? क्योंकि मेरे को डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, तो ये हो गया। अब मैं कैसे नाम करूंगी? अब मेरे पास आ गया ये सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे है? 5 पे। अब ये नहीं देखना है कि मेरे को सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। अब मेरे पास अगर चेन में डबल बॉन्ड है तो मैं उसको कम से कम नंबर दूंगी, तो 5 पे क्या आ जाएगा? मिथाइल। 5 पे क्या आ जाएगा? मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 7 की। 7 के लिए है, और 1 पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? ईन। तो ये होगी इसकी आईपीएससी नेमिंग। अब आगे बढ़ते हैं अपने रूल पे। ये हो गया डबल बॉन्ड के बारे में, मैं आपको बता चुकी। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अब मैंने लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड सी, और ये लिख दिया मैंने ट्रिपल। अब ध्यान देना मेरी चेन में क्या है, डबल भी है और ट्रिपल भी है। अभी भी मैंने क्या बताया आपको, आगे मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगी, उसके बेसिस पे ज्यादा क्लियर होएगा आपको कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देने ट्रिपल बॉन्ड से। अब पहले डबल बॉन्ड वाला ही क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्रिपल पे नहीं जाते हैं। अब मेरी चेन में 2 डबल बॉन्ड है, तो कैसे नंबरिंग करूंगी मैं? अगर मैं यहाँ से जाती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ से भी 6। अब मैं 5 के बाद यहाँ 6, 7 नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि मेरे को अपनी चेन में दोनों डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना जरूरी है। क्या बोला है मैंने? कि मेरे को अपनी चेन में दोनों डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना जरूरी है। अब जैसे ही मैंने ये नंबरिंग की, यहाँ पे नंबरिंग क्या आ रही है? 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 6 पे आ रहा है। अगर मैं इधर से करती हूँ 1, 2, 3, 2 पे आया, 1 पे आया डबल बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 1 पे और 5। तो प्रेफरेंस किसको देंगे? पहला ही नंबर कंपेयर कर रहे हैं तो 1 वाले को प्रेफर करेंगे ना। मैंने बोला कम से कम नंबर आना चाहिए डबल बॉन्ड का, तो इधर से तो हम नंबरिंग करेंगे नहीं। समझ में आया नंबरिंग किस साइड से करेंगे और किस साइड से नहीं? तो ये नंबरिंग दे दी मैंने इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या नाम लिखेंगे अब यहाँ पे? 3 पे क्या है? इथाइल ग्रुप है। पहले तो सब्सट्रेंट का ही नाम लिखते हैं हम। 3 पे क्या है? इथाइल। ये हो गया इथाइल। उसके बाद कितने मेंबर की चेन है? 7 मेंबर। 7 के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैव। ठीक है, अब ध्यान देना है कितने नंबर पे है मेरे पास डबल बॉन्ड। एक तो 1 पे है, कम नंबर वाले को, ना कि 2 पे। आप कहोगे 2 पे भी है, पर जो कम नंबर होता है वो लिखा जाता है यहाँ पे चेन में 1 कोमा। और कितने पे है? 5 पे या 6 पे? कौन सा लिखूंगी? 5 लिखूंगी। और उसके बाद 2 डबल बॉन्ड है तो 2 के लिए यूज करते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई। इसी टाइप से हम चलते रहेंगे, क्वाड, मतलब ये सब चलता रहे, डाई ट्राई इस टाइप से हम यूज करते हैं। मेरे पास 2 ही डबल बॉन्ड है तो मैं क्या यूज करूंगी? डाई। और क्या है मेरे पास, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं? डाई। ये हो जाएगी इसकी नहीं। अगर चेन में 2 डबल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड होते तो क्या लिख देती? आयन। अब इसी चेन में अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, तो ट्रिपल बॉन्ड करूंगी तो चेन नहीं बनेगी ना, 3 और 1 4। इधर से इस कार्बन को हटाना पड़ेगा, तो डबल बॉन्ड का ही समझो। अब क्वेश्चन करते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो भी आप नेमिंग कर सकते हो। लास्ट में क्या लगाना है? वाई एन ई लगाना है। अब ध्यान देना, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रही हूँ, जिसमें मेरे पास ये रूल्स आपको क्लियर है, जिसमें मेरे पास चेन में डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। अब क्या बोल रही है? मेरे पास डबल बॉन्ड भी होगा चेन में और ट्रिपल बॉन्ड भी। और अभी अभी बताया कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में। लिख लेते हैं एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड सी। अभी तो मैं आपको ऐसे चेन लिख के दिखा रही हूँ, ऐसे भी लिखा हुआ आ जा सकता है। ये मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी ना कि बॉन्ड लाइन भी आ सकती है। अब जैसे मैं यहाँ पे कर दिया मैंने ये ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे कर दिया डबल बॉन्ड, और ये कर दिया एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, और इस चेन को ऐसे आगे बढ़ा। ठीक है,
अब इसकी नेमिंग देखना है, जहां पे भी मेरे पास टर्न है वहां पे मैंने क्या बताया था कार्बन होता है। अब यहाँ पे अगर वन नंबर देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 मेंबर की चेन बन गई है। तो अब अगर मैं इधर से नंबरिंग देती हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो दिख ही रहा है कि 6 मिल रहा है डबल बॉन्ड को, जबकि यहाँ से जा रही हूँ तो कितना मिल रहा है 4। और साथ साथ अगर यहाँ से जाऊंगी तो एल्काइन को भी ज्यादा नंबर मिलेगा। तो जो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, लास्ट में हम उनके में लिखेंगे इन वाइन, मतलब एक साथ डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है ना, तो इसकी नेमिंग में कैसे करूंगी, नेमिंग देखते हैं। 6 पे क्या है मेरे पास, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, मैंने क्या लिख दिया मिथाइल। कितने मेंबर की चेन है, 9। 9 के लिए क्या लिखते हैं, नो, वो तो स्मॉल वर्ड में ही लिखना है, नोन। अब डबल बॉन्ड कितने पे है, 4 पे। ट्रिपल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे। और पीछे क्या लिखेंगे, इन और वाई एन, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वालों की नेमिंग हम इस टाइप से करेंगे। ये सब आपको क्लियर है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो नेमिंग किस टाइप से करनी है। और मैंने ऐसे बोला था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, वो मैंने किस टाइप से बोला था। अब एक क्वेश्चन कराती हूँ, जैसे क्वेश्चन कराने से पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास सेकेंडरी सुफिक्स कौन होता है मेरे पास, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे पास फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सुफिक्स होता है, ठीक है। ये तो एग्जांपल हो गया। जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं एसिड ग्रुप, किसको देते हैं, एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एनहाइड्राइड को, ठीक है। एनहाइड्राइड के बाद हम किसको देंगे, एनहाइड्राइड के बाद क्या आता है हमारे पास, एस्टर, इस ग्रुप को एस्टर बोलते हैं। एस्टर के बाद आता है अमाइड, CONH2। अमाइड के बाद हमारे पास आएगा साइनाइड ग्रुप, ठीक है। साइनाइड ग्रुप के बाद क्या आएगा हमारे पास, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद क्या आएगा, कीटोन। कीटोन ग्रुप के बाद क्या आएगा हमारे पास, एल्कोहल। एल्कोहल के बाद आएगा अमीन, ठीक है। अमीन के बाद क्या आएगा, इथर, ROR, ठीक है। इथर के बाद हम ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड सी, और उसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और उसके बाद हो जाता है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्या क्या ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर बोला है मैंने, एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में प्रेफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जो क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं उसमें। एसिड का तो याद ही हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसकी है, एसिड की। कहीं पे भी इन ग्रुप के साथ एसिड मिले तो प्रेफरेंस किसको देनी है, एसिड एज ए फंक्शनल ग्रुप। एसिड किसका काम करेगा, सेकेंडरी सुफिक्स का, और बाकी सारे किसका काम करेंगे, प्रीफिक्स का काम करेंगे। उसके बाद क्या बोला है मैंने, एल्कोहल, अमीन, इथर, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और एल्काइल हैलाइड। अब जो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है, अब मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि अगर मेरे पास ये ग्रुप एज ए प्रीफिक्स का काम कर रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, और अगर ये एज ए सुफिक्स का काम कर रहे हैं तो हम इनको क्या नेमिंग देंगे। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे आपको सेकेंडरी सुफिक्स बताऊंगी और सेकेंडरी प्रीफिक्स दोनों। तो अपने टेबल ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखे हैं जो मैंने यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर में बताए, इन्हीं को मैं बताने जा रही हूँ कि एज ए प्रीफिक्स और सुफिक्स हम उनको क्या लिखेंगे। जैसे एल्केन है, सी डबल सी सिंगल बॉन्ड सी, तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम, एन, सॉरी प्रीफिक्स तो हम यूज करते हैं, इसके लिए हम एज ए सुफिक्स यूज करते हैं ना इसको। हर एक चेन में मैंने लिखा था मिथेन, प्रोपेन, प्रोपीन, तो एल्कीन, सी डबल बॉन्ड सी, इसके लिए क्या लिखते हैं, ईन, मतलब डबल बॉन्ड आ जाए चेन में। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए चेन में एक टाइप से तो उसके लिए क्या लिखेंगे, आयन। अगर हैलाइड्स, हैलोजन जितने भी आ जाए अगर चेन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उनको एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं हम, उनको लिखते हैं हेलो, मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस टाइप से हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, फ्लोरो, क्लोरो, आयोडो,
ब्रोमो, इस टाइप से, ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, ओ एच। अगर ये प्रीफिक्स के टाइप से यूज होगा तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे इसको हम? हाइड्रोक्सी। और एज ए सुफिक्स यूज होगा तो हम इसको बोलेंगे ओल। तो हम चेन के पीछे क्या लगाएंगे अपने वर्ल्ड रूट के बाद? ओल। एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है? सी डबल बॉन्ड ओ एच। यहाँ पे जो मैं डैश दिखा रही, इसके आगे कार्बन चेन है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखते हैं ओक्सो। और वर्ड क्या आता है? अल। क्या लिखते हैं सुफिक्स में? अल। कीटोन के लिए कीटोन कौन सा ग्रुप होता है? सी डबल बॉन्ड ओ आर। कीटोन के लिए भी ऑक्सो लिखते हैं प्रीफिक्स में। और वर्ड रूट क्या आता है लास्ट में? ओन। सुफिक्स में क्या लिखते हैं हम इसके लिए? ओन। उसी टाइप से नाइट्राइल, सी ट्रिपल बॉन्ड एम। यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रीफिक्स में? साइनो। आगे क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। ऐसे ही इथर कौन सा ग्रुप होता है? आर ओ आर। इथर के लिखते हैं एल्कोक्सी, जैसे मिथोक्सी, इथोक्सी, ठीक है। एज ए प्रीफिक्स में हमने इसको लिख दिया। और उसमें हम चेन की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि मेरे पास ये आ जाए सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच थ्री, तो इसको क्या लिखूंगी? जो स्मॉल होगी जिस साइड, ऑक्सीजन के दोनों साइड चेन है ना, तो जिस साइड स्मॉल चेन होगी उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट का यूज करेंगे। जैसे कि एक कार्बन की चेन है तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी? मिथोक्सी। और कितने कार्बन की चेन है यहाँ पे? टू। टू के लिए क्या यूज करते हैं? इथेन। मिथोक्सी इथेन, ये हो जाएगा इसका नेम। तो इसकी नेमिंग इस टाइप से करते हैं, ठीक है। एसिड कौन सा ग्रुप होता है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। एसिड एज ए प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या यूज करते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। और लास्ट में प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। एस्टर कौन सा होता है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है। एस्टर, एस्टर के लिए हम क्या लिखते हैं? कार्बो। और पीछे हम क्या लगाते हैं? ओइक। क्या लगाते हैं? ओइक। ये क्रॉस हो गया हम इससे। एसिड के लिए हम यूज करते हैं कार्बोक्सी, मतलब एसिड के लिए कार्बोक्सी, और एस्टर के लिए एल्कोक्सी कार्बोनाइल हम एज ए प्रीफिक्स का यूज करेंगे। अब अमीन्स कौन सा ग्रुप होता है? आर एन एच टू। क्या होता है? आर एन एच टू। तो प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं? अमीनो। और सुफिक्स में क्या यूज करेंगे? अमीन्स। क्या यूज करेंगे? अमीन्स। इसी टाइप से अमाइड कौन सा ग्रुप होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ठीक है। अमाइड के लिए कार्बोमिन, कार्बोमिल, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अमाइड। प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं? अमाइड। इसी टाइप से यहाँ पे रह गया नाइट्रो। नाइट्रो एज ए सब्स्टिट्यूएंट का ही काम करता है, तो इसको हम लिखेंगे नाइट्रो, ठीक है। सल्फोनिक एसिड क्या होता है? एसओ थ्री एच, ग्रुप अटैच होना, ठीक है। सल्फोनिक एसिड के लिए हम क्या लिखेंगे? सल्फो। क्या लिखते हैं प्रीफिक्स में? सल्फो। और जब सुफिक्स की बात आएगी तो एज इट इज सल्फोनिक एसिड ही हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये क्लियर आपको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। एल्केन के लिए हमने क्या यूज किया? सुफिक्स एन। ये हमने अपने एग्जांपल्स में भी देखा है। एल्कीन के लिए ईन, एल्काइन के लिए वाई एन ई, हैलाइड्स में हम फ्लोरो क्लोरो आइडो, इस टाइप से यूज करेंगे। अगर मैं अपनी चेन पे कोई हैलाइड ग्रुप अटैच कर देती हूँ। एल्कोहल के लिए प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी, सुफिक्स में ओल लगाएंगे पीछे। ऐसे ही एल्डिहाइड में ऑक्सो अल, कीटोन में ऑक्सो ओन, नाइट्राइल में साइनो नाइट्राइल, इथर के लिए एल्कोक्सी यूज करेंगे, एसिड के लिए कार्बोक्सी यूज करेंगे, एस्टर के लिए एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और एसिड में सुफिक्स क्या लगाएंगे? ओइक एसिड, और एस्टर में ओएच। इसी टाइप से अमीन के लिए अमीनो और फिर अमीन्स। अमाइड के लिए कार्बोमिल एंड अमाइड, नाइट्रो के लिए नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनिक एसिड में सल्फो एंड सल्फोनिक एसिड। जो मैंने आपको टेबल बताई है, ये आपको इनको इनके प्रीफिक्स में हम इनको क्या बोलते हैं और सुफिक्स में क्या बोलते हैं आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसी बेसिस पे आप आईयूपीएसी नेमिंग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मैंने लिखा है असाइल क्लोराइड। क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ एक्स।
एक्स क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सुफिक्स में हम क्या लिखते हैं? ऑयल क्लोराइड। क्या लिखते हैं? ऑयल क्लोराइड। यहाँ पे लिखते हैं हेलो कार्बोनिल। ठीक है, तो ये था कंप्लीट इस सब के बारे में। अब जो एग्जांपल्स करेंगे उसमें हम अपने फंक्शनल ग्रुप को यूज करेंगे, तो आपको बताना है कि किसको मैं प्रायोरिटी दूंगी और किसको नहीं। आई थिंक ये टेबल आप सबको क्लियर है, ये आपको याद करनी है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आईपीएससी नेमिंग करेंगे। ये प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखना है। अब जैसे मैं मैंने ये एग्जांपल लिखा CH3 COH CH2 C डबल बॉन्ड OOH। अब इसकी नेमिंग मैं कैसे करूंगी? अब मेरे को दिख गया C डबल बॉन्ड OOH, मुझे पता है कि इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा होती है इसकी प्रायोरिटी, तो इसको तो मैं 1 नंबर दूंगी। उसके बाद चेन स्टार्ट करूंगी 2 3 4। अब इसका मतलब क्या है? जो मेरे पास ये OH ग्रुप आया है ये मेरे पास एज ए प्रीफिक्स का काम करेगा, और जब OH एज ए प्रीफिक्स का काम करता है तो मैं इसको क्या बोलती हूँ? हाइड्रोक्सी। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगी? 3 पे क्या ग्रुप अटैच है? हाइड्रोक्सी। कितने मेंबर की चेन है? 4 मेंबर की। 4 के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सब में, एन। और पीछे क्या लगा देंगे? 1 पे क्या है? इसके लिए क्या लिखते हैं? ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। 1 ना लगा के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, और चाहो तो मेंशन भी कर सकते हैं 1 पे। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लिख रही हूँ CH OH। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया है CH2 और मैं अपने चेन बढ़ा देती हूँ C डबल बॉन्ड CH। चलो डबल बॉन्ड नहीं लगा रही हूँ, CH2 C डबल बॉन्ड O CH। अब मैंने ये चेन, अब क्या ध्यान देना है आपको? पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं हम। मेरे पास क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है? अब मेरे पास सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड की चेन है, और साथ साथ मेरे पास दो सब्सट्रेट ग्रुप है। एक ये वाला ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोनाइल ग्रुप ना। कौन सा ग्रुप होता है? ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है मेरे पास। और ये क्या है मेरे पास? एल्डिहाइड ग्रुप। चलो कार्बोनाइल ग्रुप से भी इजी लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं CN CH2 CN। अब ध्यान देना है आपको, CN मेरे पास यहाँ आ रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर में, और एल्डिहाइड मेरे पास कहाँ आ रहा है? यहाँ। तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है? CN का ज्यादा है ना CHO से। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अब 5 पे क्या है मेरे पास? इस ग्रुप को हम ऐसे जब सब्सिट्यूएंट का काम करेगा मेरे पास एल्डिहाइड, तो क्या बोलते हैं जब एल्डिहाइड सब्सिट्यूएंट का काम करता है? ऑक्सो। तो क्या लिखेंगे 5 पे? ऑक्सो। कितने मेंबर की चेन है? 7 है, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पे क्या है? CN को हम क्या लिखते हैं? मैंने यहाँ पे बताया था नाइट्राइड। CN ग्रुप को क्या लिखते हैं? नाइट्राइड। 1 पे हेप्टेन नाइट्राइड। ये हो जाएगी इसके आईयूपीएसी नेमिंग। तो इस टाइप से आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी पता होना चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, इसका एग्जांपल दे रही हूँ CH3 CC CH2 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने। अब किस ग्रुप से रिप्लेस करके दिखाऊं आपको? चलो OH से ही कर देते हैं। OH वाला तो एग्जांपल हम कर चुके हैं, NH2 कर देते हैं। ये वाला ग्रुप अटैच। अब नेमिंग कैसे करूंगी? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगी, और मुझे पता है कि NH2 और COH में मैं किसको प्रेफरेंस दूंगी? COH को प्रेफरेंस दूंगी। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4 5 6 5 6 7। ध्यान देना है नंबरिंग पे, लॉन्गेस्ट चेन ही सिलेक्ट करनी है। ये हो गया 7, क्योंकि यहाँ पे एक ये सब्सट्रेंट भी आ रहा है। अब ये सब्सट्रेंट का काम कर रहा है ना, और ये भी। तो नंबरिंग नेमिंग कैसे लिखूंगी मैं इसकी? इसकी नेमिंग मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ आपको।
फाइव पे क्या है मेरे पास मिथाइल ग्रुप, और थ्री पे क्या है, इसको क्या बोलते हैं जब ये सब्सट्रेट का काम करता है, अमीनो। ए पहले आता है या एम पहले आता है? ए पहले आता है ना, तो थ्री पे क्या लिखूंगी मैं, अमीनो। उसके बाद फाइव पे क्या है मेरे पास, मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, सेवन। सेवन के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है एन। और वन पे क्या है, ओइक एसिड, हेप्टेन ओइक एसिड। ये होगी इसकी आईपीएससी ने। तो जब आपके चेन में फंक्शनल ग्रुप दे रखा हो तो उसके नेमिंग हम इस टाइप से करेंगे। अब हम अपने आईपीएससी नेमिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की। किसके स्टार्ट करने जा रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स की। आईपीएससी नेमिंग किसके करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स की। किसके आईपीएससी नेमिंग स्टार्ट करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड। चलो साइक्लिक कंपाउंड से करने से पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले कुछ एनसीईआरटी में जो आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब इसमें क्या है, मेरे को फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है OH, तो मैं ये देखूंगी कि इसको कम से कम नंबर मिले। अगर मैं इधर से आऊँगी तो ज़्यादा ही नंबर मिलेगा, इधर से स्टार्ट करूँगी 1 2 3 4 5 6। अगर जाते हो 7, आगे बढ़ते हो तो 7 और 8, तो 8 मेंबर को प्रेफरेंस दूंगी। तो कैसे नेमिंग करूंगी, 6 पे क्या आ गया मेरे पास, सब्स्टिट्यूएंट, तो 6 पे क्या है, मिथाइल। इसको मिथाइल लिखते हैं ना हम, मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 8। 8 के लिए O, सिंगल बॉन्ड है N। और 3 पे क्या है, OH के लिए क्या फंक्शनल ग्रुप बोला था मैंने, ओल। तो ये हो गई इसकी आईपीएससी नेमिंग। इसी टाइप से इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। कितने मेंबर की चेन है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से अगर नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ध्यान देना है मेरे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप जो दिया हुआ है इसको कितना नंबर आ रहा है, 3 और 5। अगर मैं इधर से करती हूँ अपनी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, कितना नंबर आ रहा है, 2 और 4। तो किसको प्रेफरेंस देंगे, 2 और 4 वाले को। इसका मतलब ये वाला तो नंबरिंग नहीं करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, कितने मेंबर की चेन है, 6 में, क्योंकि फंक्शन ग्रुप को तो हम सुफिक्स की तरह यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि और कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं कि मैं इसके रिस्पेक्ट में मैं इसको देखूं कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बस एक कीटोन ही फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। तो कैसे नेमिंग करेंगे, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन। कितनी पोजीशन पे है, ओन, 2 पे और 4 पे। दो फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं ना मेरे को यहाँ पर, दोनों ही क्या है, कीटोन। तो दो है तो मैं डाई लगाऊंगी, और कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, ओन। तो ये हो गया इसका आईयूपीएससी ने। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये कीटोन ग्रुप दिया है, और क्या ग्रुप दिया है, एसिड। मुझे पता है कि एसिड की प्रेफरेंस तो सबसे ज्यादा होती है, तो इसी को वन नंबर दूंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे ही मैंने इसको ये नंबर दिया तो नाम क्या लिखूंगी मैं इस चेन का, अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 कीटोन है और एसिड। तो कीटोन तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है, ये मेरे को पता है। तो मैं क्या लिखूंगी, 5 पे क्या है मेरे पास, कीटोन के लिए क्या सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं हम, ओक्सो। कितने मेंबर की चेन है, 6 मेंबर की, तो क्या लिखेंगे, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन। अब 1 पे क्या है, ओइक एसिड, इसको क्या लिखते हैं हम, ओइक एसिड। तो ये हो गया 5-ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड, इसका आईपीएससी नेमिंग होगी। अब नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं। इस वाले कंपाउंड में मेरे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी, इस वाले एग्जांपल में समझेंगे आप, 1 2 3 4 5 6। इधर से दूंगी तो ज्यादा नंबर आएगा ना डबल बॉन्ड को, तो उधर से ही दूंगी। अब मेरे पास क्या है, मैंने बोला कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी। कितने मेंबर की चेन है, 6 की, 6 के क्या लिखेंगे, हेक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेक्सेन। और हमारे पास हेक्स लिखेंगे ना, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो एन तो हम लिखेंगे नहीं। 1 पे और 3 पे क्या है मेरे पास, 1, 3 डाई इन। और उसके बाद 5 पे क्या है, आइन। ये होगी इसकी आईपीएससी। तो मतलब जिस पोजीशन पे मेरे पास डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको मैं मेंशन करूंगी वो पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गया आईपीएससी नेमिंग इनकी। अब चलते हैं अपने साइक्लिक कंपाउंड्स पे, ये एग्जांपल उसी के बेसिस पे मैं आपको कराऊंगी। तो ये मैं रख कर देती हूँ। कंपाउंड में हम कैसे करेंगे,
हम वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। अगर मेरे को कोई साइक्लिक चेन दे रखी है तो उसके आगे मैं वर्ड क्या यूज करूंगी, साइक्लो। उसके बाद मैं अपना वर्ड रूट लिखूंगी और उसके बाद मेरा जो भी सुफिक्स होगा वो आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, ये लिख लिया मैंने साइक्लिक चेन ले ली कोई। कितने मेंबर की चेन है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की क्लोज चेन है। पहले क्या लिखूंगी, साइक्लो। उसके बाद कितने मेंबर की चेन है, 6 6 के लिए क्या लिखूंगी, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो ये होगी इसकी आईपीएससी नेम। ऐसे ही एग्जांपल ले लेती हूँ, कितने मेंबर की चेन है, अब 5 मेंबर की ना, 3 4 5, क्या लिखूंगी इसको, साइक्लो। 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ई। अब इस एग्जांपल पे ध्यान देना है। अब इसमें लगा दिया मैंने डबल, ठीक है, ये मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया इस चेन, तो क्या लिखूंगी, साइक्लो। तो अभी भी लिखूंगी, कितने मेंबर की चेन है, पेंट, 5 की है तो पेंट लिखूंगी, और मेरे पास डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं ई, तो ये क्या होगा, साइक्लो पेंटिंग। ऐसे ही अगर मैं ये लिख दूं, 6 मेंबर की चेन ली और यहाँ पे लगा दिए डबल बॉन्ड, तो इसको क्या लिखूंगी, साइक्लो हेक्स और ई, साइक्लो हेक्स। ऐसे ही अगर मैं ये 4 मेंबर की रिंग ले लूं और ये लगा दिया मैंने इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है ना, 3 बॉन्ड यहाँ और 1 चार, ऐसे ही इसके 3 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड चार, ठीक है। तो 4 मेंबर के लिए क्या यूज करते हैं हम, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो ये हो गया साइक्लो ब्यूटाइन। तो ये होते हैं जो साइक्लिक कंपाउंड है उनकी नेमिंग। अब पढ़ लेते हैं बेंजीन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग किस टाइप से करेंगे, ठीक है। एक आपके एग्जाम में जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए इस टाइप से दे देता है कि आपको आईपीएससी नेमिंग लिखनी दे देगा, और क्या दे देगा, आपको स्ट्रक्चर दे देगा इस टाइप से, कहेगा कि आप इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इस टाइप से नेमिंग लिख के दे देगा। अब पहले वाले एग्जाम्पल में देखना है, मैंने लिखा है 3-नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, तो इसकी इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं हम, क्या लिखा है मैंने फर्स्ट पे, 3-नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो दिखते ही मतलब क्लोज रिंग है, और वो भी कितने मेंबर की है, 6, सबसे पहले तो यही ड्रॉ कर लो, 6 मेंबर की साइक्लो हेक्सेन है। अब उसने क्या कहा है, 3-हेक्सेन है ये, सॉरी, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है इसका, मतलब डबल बॉन्ड मैंने ये लगा दिया। उसके बाद उसने कहा 3 में क्या है, नाइट्रो। अगर मैं यहां से अपनी नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3, तो इस वाले पोजीशन पे क्या है मेरे पास, NO2 ग्रुप अटैच, तो ये होगी इस टाइप से इनकी नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट लिखा है 2-क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन है तो 6 मेंबर की चेन बना ली, डबल बॉन्ड लगा लिया, 2 पे क्या बोल रहा है, क्लोरो, 1 2, मतलब इस पोजीशन पे क्या ग्रुप अटैच है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लिखा है साइक्लोहेक्स 2-ईन 1 पे क्या है, ओल, ये लिखा हुआ है 1 पे है ओल, ठीक है। 6 मेंबर की चेन है, ड्रॉ कर लेते हैं 6 मेंबर की चेन। उसके बाद क्या बोला है, सेकंड पोजीशन पे ईन ग्रुप है, ये लगा दिया मैंने, है डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, ईन है ना मेरे पास, तो डबल बॉन्ड लगा दिया, 1। उसने कहा है 2 पे तो ईन है और 1 पोजीशन पे क्या बोल रहा है उसने मुझे, ओल। ओल क्या होता है, OH, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे, एरोमेटिक कंपाउंड्स की आईपीएससी नेमिंग पढ़ने जा रहे हैं। किसके पढ़ने जा रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कैसे करते हैं हम, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन, बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, इस टाइप से स्ट्रक्चर, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। अब मैंने इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन करा दिया, ठीक है, मैंने इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया बीआर, तो बीआर क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या बोल दूंगी इसको, 1-ब्रोमो बेंजीन, क्या बोल दूंगी, 1-ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 सब्स्टिट्यूशन करा, ये हो गया बीआर और ये बीआर। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूंगी तो बीआर की ऑर्थो पोजीशन होती है ये, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, मतलब सब्सट्रेट के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन को ऑर्थो, उसे नेक्स्ट वाली को मेटा
और उससे नेक्स्ट वाले को बोलते हैं हम पेर। अगर मुझसे इसका कॉमन नेम पूछेगा तो मैं बोलूंगी ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, चलो सी एल, थोड़ा डिफरेंस आ गया। ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, क्लोरो, ऑर्थो पे क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, ये हो गया इसका। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पर अगर मुझे इसके आईपीएसी नेमिंग करनी है तो मैं क्या करूंगी, वन टू पे क्या है ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब ध्यान देना है, दो ब्रोमो है ना, वन पे और टू पे, वन टू पे हम क्या लिखेंगे डाई ब्रोमो बेंजीन लिखेंगे ना, दो ब्रोमीन ग्रुप है मेरे पास ऐसे ही, यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑर्थो पे क्लोरो है और फिर ब्रोमो बेंजीन लिखा था मैंने। आईपीएसी नेम में क्या है कि नंबर्स देना जरूरी है, वन टू, वन टू पे क्या है दो ब्रोमीन ग्रुप है और क्या है हमारा मेन चेन क्या है बेंजीन है ना, उसी पे तो सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रोमीन और ये अपोजिशन कौन सी है, वन टू थ्री, अभी भी कम से कम नंबर देना है ना कि इधर से चलेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, इधर से आएगा फाइव, फाइव से पहले तो थ्री आता तो थ्री नंबर देंगे, वन और थ्री पे क्या हो गया डाई ब्रोमो बेंजीन, ये होगी इसके आईपीएसी नेम। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के हम इस टाइप से आईपीएसी नेमिंग करते हैं। और एक बात क्या ध्यान रखनी है आपको, एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेमिंग में हमें बेस चेन सेलेक्ट करनी होती है। जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ, अब मैं डाई सब्स्टिट्यूटेड जो थी मेरे पास बेंजीन रिंग पे मैंने डाई सब्स्टिट्यूशन किया था, जैसे इस वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि ये हो गया मेरा बीआर और ये बीआर, मैंने दो सब्स्टिट्यूशन किया था ना दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो इनकी नेमिंग मैंने कैसे लिखी थी, वन थ्री डाई ब्रोमो बेंजीन। तो मतलब हमें मेन बेस चेन तो हमारी सिलेक्ट क्या करनी होती है, बेंजीन थी यहाँ पे। अब यहाँ पे बेस चेन क्या है मेरे पास, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। अब इस टाइप के जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है ये, इनकी नेमिंग हम कैसे करें, जितने भी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो ध्यान देना है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ नाइट्रो से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। इन केसेस में भी क्या बात ध्यान रखनी है कि जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको कम से कम नंबर मिले, क्या मिले सब्स्टिट्यूएंट को, लोअर नंबर मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मेरे पास क्लोरीन को क्या मिल रहा है, फोर नंबर, वहीं अगर मैं क्लोरीन से अपनी नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो वन टू थ्री फोर, तो मेरे पास वन नंबर आ रहा है, तो मैं कौन सी प्रेफर करूंगी, वन, तो वन पे क्या है क्लोरो। उसके बाद टू पे और फोर पोजीशन पे क्या ग्रुप है डाई नाइट्रो, और बेंजीन क्या थी हमारी बेस चेन, ये हो गया। कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं, कौन सा रूल लगाते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्या है इस रूल का मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, इसी को हम लोवेस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में हम नंबरिंग कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो वन टू थ्री फोर, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या नंबर मिल रहा है, वन मिल रहा है देखो, ठीक है। नाइट्रो बेंजीन के कंपेयर में इसको क्या का नंबर मिल रहा है, थ्री और फोर, ठीक। अगर मैं अपनी नंबरिंग सी एच थ्री से स्टार्ट करूं, ध्यान देना है वन टू थ्री फोर, तो कितना नंबर मिल रहा है मेरे पास, वन और टू, तो किसको प्रेफर करूंगी, वन टू वाले को ना, तो क्या नाम कैसे नेमिंग लिखूंगी, अब इसकी मिथाइल पहले आएगा सी पहले आएगा ना, तो टू क्लोरो, उनकी भी नेमिंग लिखनी है ना हमें, टू क्लोरो, टू क्लोरो और वन पे क्या है मिथाइल, फोर पे क्या है नाइट्रो, और क्या होगी ये होगी इसके आईपीएसी नेम। अब इस कंपाउंड में चलते हैं, अब इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो मेरे पास बेंजीन के ऊपर ओ एम ए ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एनिसो, क्या बोलते हैं हम इसको एनिसो। अगर मैं इसकी नंबर वन टू थ्री फोर, तो क्या नाम लिखूंगी मैं इसका, टू पे क्या है
क्लोरो, फोर पे क्या है मिथाइल, एम स्मॉल लिखना है मिथाइल, और इसको क्या बोलते हैं एनिसोल, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉमन नेम में बताया था एनिसोल। अब जो बेंजीन के ऊपर एनएच2 होता है तो उसको क्या बोलते हैं एनिलीन, तो इसका नेमिंग कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल है 4 पे इथाइल है, तो ई पहले आता है ना, तो 4 पे इथाइल, 2 पे क्या है मिथाइल, और इसको क्या बोला है मैंने एनिलीन, क्योंकि मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है ना यहाँ पे NH2। ऐसे ये R O M E इथर ग्रुप आ गया एक टाइप से यहाँ पे, ठीक है, पर इस कंपाउंड को पूरे को हम क्या बोल देते हैं एनिसो। ऐसे ही R NH2 को, इसको बेंजीन के ऊपर NH2 तो क्या बोलते हैं एनिलीन। तो ये थे साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर, कुछ इस टाइप से करते हैं। अब एक रूल है और बच गया आपके आईपीएससी नेमिंग में, उस पे और ध्यान देना आपको। अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि बेंजीन को एज एन सुफिक्स की तरह यूज कर रही थी, ब्रोमो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, कुछ इस टाइप से मैं लिख रही थी। तो पर ये जरूरी नहीं है कि हर बार मेरे पास बेंजीन एज ए सुफिक्स का ही काम करे, बेंजीन कई बार प्रीफिक्स का भी काम करती है। मतलब प्रीफिक्स में हम इसको क्या बोलेंगे फिनाइल, क्या नाम देंगे इसको हम प्रीफिक्स में फिनाइल। रूल क्या कहता है, इफ एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड अटैच टू अ स्ट्रेट कार्बन चेन, क्या बोल रही हूँ, अटैच टू अ स्ट्रेट कार्बन चेन, देन कार्बन चेन एक्ट्स एज वर्ड रूट एंड एरोमेटिक कंपाउंड एज सब्स्टिट्यूएंट, किसका काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को। अब मैं ये एग्जाम्पल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये बेंजीन, अब मैं यहाँ पे क्या नाम दूंगी, अब यहाँ पे जो मेरे पास ये दोनों फिनाइल रिंग्स हैं ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। रिंग क्या है 1 2 3 4 5, ये भी दोनों क्या है एज ए सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहे हैं। चेन तो मेरे पास ये है तो मैं इसकी नेमिंग कैसे करूंगी 3, 3, दो फिनाइल ग्रुप है ना, बेंजीन को मैंने क्या बोला है फिनाइल बोला है ना सब्स्टिट्यूएंट में, तो क्या लिखूंगी डाई फिनाइल। कितने मेंबर की चेन है 5 पेन, और सिंगल बॉन्ड के लिए तो इसका नेमिंग क्या होगी 3,3-diphenylpentane, इसको हम एज इट इज साथ में ही लिखते हैं, गैप नहीं बनाते, ठीक है। तो इस टाइप से अगर सब मतलब ये है कि फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट का काम कर सकती है, तो आईपीएससी नेमिंग कंप्लीट होती है। आप इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उससे आपको काफी क्लियर होगा। रूल्स मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी से। अब इसके बाद हम अपने चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे आइसोमेरिज्म। क्या कंटिन्यू करेंगे हम आइसोमेरिज्म, हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।